तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा लेंस शूट लेना चाहिए और क्या ये काम करता भी है? अगर हाँ तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र, मैं संजीव, वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करते हैं। तो आज के एपिसोड में क्या देखेंगे धर्म भाई? यार लेंस शूट के बारे में देख लेते हैं। जनरली बहुत लोग इंक्वायर करते हैं यार लेंस शूट की ज़रूरत क्यों है, और कुछ लोग तो ऐसे ज़रूरत नहीं होती है फिर भी लगा लेते हैं लेंस शूट। लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से लेंस पे कौन सा हुड लगाना चाहिए, बट उनको सिर्फ मतलब है कि लेंस शूट यार लगाना है मुझे, उससे सेक्सी दिखता है। राइट, तो चलिए देख लेते हैं यार कि कौन सा लेंस शूट आपको ख़रीदना चाहिए, ठीक है, और कौन सा लेंस शूट कैसे काम करता है। एक्चुअली लेंस शूट का क्या एडवांटेज है, क्यों यूज़ करते हैं, और जैसे संजीव भाई ने बताया कि किस लेंस पे कौन सा लेंस हुड लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि लेंस हुड की आवश्यकता क्यों है और क्या इतना वर्थ है वो, और कौन सा लेंस हुड आपको अपने लेंस के लिए लेना चाहिए। तो देखिए यार, पहले तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि लेंस हुड का इम्पोर्टेंस क्या है। ये लेंस आप देख रहे हो, ये फ्लावर टाइप का है, देखो थोड़ा सा लेंस को कवर कर रहा है चारों तरफ से। तो मेनली इसका यूज़ ये है कि जो भी अनवांटेड लाइट्स है वो आपके इस फ्रंट एलिमेंट पे ना पड़े, इसलिए हम लेंस हुड का यूज़ करते हैं, और इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। सोच रहे हो यार कैसे होता है ये? तो जनरली अगर ये ओपन है तो लाइट इस पर एंटर कर रही है, फ्लेयर्स आते हैं काफ़ी, जिसकी वजह से आपका आप जो फ्रेम है आपका वो वॉश्ड आउट टाइप का दिखता है, कलर कॉन्ट्रास्ट सही नहीं आती है। बट अगर वही आप इसको यूज़ कर रहे हो तो कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, तो ये जो लेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये चीज़ ऑलरेडी इन बिल्ट ही है, तो अलग से चेंज या निकालने की कोई झंझट नहीं है इसमें। तो देखिए अब ये प्रकट हो गया 50 mm। तो इसका देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फ्लावर टाइप का है और ये नॉर्मल गोला सा है। इसको आप देख सकते हैं कि ये डिटैच हो जाता है। तो जनरली क्या है कि इसको रखने में इजी हो, इसलिए इन्होंने डिटैच ये इस टाइप से बना रखा है ताकि आप इसको रिवर्स करके आप आराम से रख सक पाओ, और जब यूज़ करना हो खोल के वापस आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो आप देखिए कि ये चारों तरफ से इसको कवर कर रहा है, लाइट जो है आपको आपका फ्रेम से लाइट सही आएगी, अलग से लाइट जो आती है वो नहीं आ पाएगी इसमें, इससे जैसे हमने बताया कि कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़िया आएगा। तो यार अभी कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि यार क्या डिफरेंस आएगा, ये लगाए ना लगाए, तो एक काम करते हैं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि इससे इफेक्ट क्या आता है। कुछ फोटोग्राफ लेके देखते हैं बिना इसके और विथ हुड के, हुड के साथ और बिना हुड के, दोनों करके देखते हैं। तो अभी लेंस हुड नहीं लगा है, ठीक है, और अभी हम देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी कैसी है, और अभी लेंस हुड लगाते हैं इसमें और फ़र्क देखते हैं। तो फर्क एक्चुअली अभी बहुत माइन्यूट आ रहा है। तो एक पुरानी फुटेज है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जिसमें विद लेंस हुड एंड विदाउट लेंस हुड का दोनों का दिखा देता हूँ वीडियो, वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। इस टाइम सन थोड़ा सा ऊपर चला गया तो डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ भी नहीं रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था कि सामने से बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी, और रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो 15-30 का जो लेंस हुड है उसके होने के बाद भी ऐसे वॉश्ड आउट सा ये लग रहा था, ठीक है, जो सीन आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा वॉश्ड आउट लग रहा है। तो हमने क्या किया, एक हैंकी लिया और वो लेंस के ऊपर रख दिया, जिससे हुआ क्या कि देखो एकदम से ये देखो कितना कंट्रास्ट एकदम से इंक्रीज हो गया। तो नॉर्मल सिनेरियोज़ में आपका लेंस हुड ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट किसी किसी एक्सट्रीम केस में आपको हो सकता है एक गत्ता या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा कवर करने के लिए, ताकि फालतू जो लाइट है वो लेंस के अंदर ना जाए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि आपका जो कंट्रास्ट है वो अच्छा है और वॉश्ड आउट इमेज ना आए। यार अभी हमने देखा कि लेंस हुड जो है कंट्रास्ट फोटो में कंट्रास्ट सही करता है, कलर्स आपकी सही आती है जिसकी वजह से, और फ्लेयर्स को स्टॉप करता है, बट इसके और भी फायदे हो सकते हैं। जैसे देखो ये है, आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर कैमरा जनरली क्या होता है कि लटका के रखते हो, हैंग कर रहा होता है, तो हो सकता है कहीं ऐसे टकरा जाए, तो उस केस में भी ये आपके लेंस की सुरक्षा करेगा।
तो प्रोटेक्शन की तरह भी आप इसको बोल सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं। जनरली कहीं नीचे भी रखना होता है, आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्ट रहेगा आपका ये लेंस वाला एलिमेंट। जो मेरे हाथ में जो लेंसेज हैं, ये फ्लावर, इस पर हुड लगा हुआ है फ्लावर टाइप का, इस पर जो है ट्यूब टाइप का है। तो यार ऐसे अलग अलग क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये किस टाइप का है, फ्लावर टाइप का है, दूसरा ये ट्यूब टाइप का है, तो ये क्यों है। तो जनरली इनको बनाने का देखो पर्पस क्या है, सारे लेंस के लिए अलग अलग लेंस हुड बनता है, पहली बात, ठीक है। अगर इस पर अगर कोई और लेंस हुड जो है माउंट हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि आपको वो यूज़ करना है। तो यार जैसे देख रहे हो कि ये वाइड एंगल लेंस है, अल्ट्रा वाइड, तो इस पर फ्लावर है। ये फ्लावर देने का रीज़न ये है कि आपका मिनिमम फोकल लेंथ पे भी ये खुद जो है फ्रेम में ना आए। अगर इसमें बड़ा आप अलग से कोई लेंस हुड ला के लगा देते हो तो हो सकता है कि वो फ्रेम में आ जाए, ठीक है। और वही देखो 50mm पे ट्यूब टाइप का है, फिक्स दे रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ये फिक्स लेंथ का है। तो एक मिनिमम जो होता है डिस्टेंस जिसके बाद ये नहीं आएगा, वहाँ तक का दे रखा है इन्होंने। तो यार ये 50 था, देखो 50 का कैसे बना रखा है इन्होंने, ये 70-200 का लेंस हुड है। तो इसको इन्होंने इतना बड़ा क्यों बना रखा है, कि वही है कि 70 फोकल लेंथ है इसका मिनिमम, तो उसके हिसाब से इन्होंने इसको बना रखा है कि इसका किनारा कहीं भी आपके फ़ोटो और फ्रेम में ना आए, ठीक है। तो ये थे कुछ लेंस हुड के फ़ायदे और लेंस हुड क्यों यूज़ करना चाहिए। और लेंस हुड यार कुछ कंपनीज जो हैं साथ में देती हैं, कुछ जो है नहीं देती हैं। जैसे निकॉन के मोस्टली लेंसेज में लेंस हुड आता है साथ में, टैमरॉन के साथ भी आता है, लेकिन कैनन नहीं देता है। तो कैनन वाले कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा लेंस हुड लेना चाहिए। तो यार एक बार गो थ्रू करो, जो रिकमेंडेड है वो सिर्फ वही लो। जैसे अगर आपके पास वाइड एंगल है तो फ्लावर टाइप का लो, और पहले उसको माउंट करके टेस्ट करो कि कहीं वो फ्रेम में मिनिमम फोकल लेंथ पे तो नहीं आ रहा है। और वैसे ही अगर आप जूम लेंस यूज़ कर रहे हो या टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप का यूज़ कर सकते हो। और यार एक चीज़ और, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, आपने अगर कैनन का लेंस ले रखा है तो आप कैनन का ये ढूंढते रहो, आप कोई ज़रूरी नहीं है। तो थर्ड पार्टी बहुत सारे आते हैं और सही प्राइस में आप ले सकते हो, बस उनका देख लेना कि बिल्ड क्वालिटी सही हो और थोड़ा सा मतलब कि अंदर से जो है ना, अंदर वाला हिस्सा काफ़ी रिफ्लेक्टिव ना हो। तो यार ये था लेंस हुड पे आज का एपिसोड, जिसमें आपने सीखा कि लेंस हुड काम करता है, ठीक है, वो ज़रूरी है। जब भी हम शूट करते हैं लेंस हुड हमेशा यूज़ करते हैं, इंडोर भी हो, क्योंकि इंडोर में भी स्ट्रे लाइट्स आ सकती है आपके फ्रंट एलिमेंट में, ठीक है। और हमने देखा कि आपके एक लेंस के लिए एक ही तरह का हुड होता है, तो आपको वही वाला ख़रीदना है, इधर उधर से कोई सा नहीं लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पास लेंस हुड नहीं है तो नॉर्मली जैसे आप धूप में ऐसे करके चलते हैं, ठीक है, तो आप लेंस के ऊपर ऐसा करके भी रख सकते हैं, या आप कोई कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं इनकेस आपके पास लेंस हुड नहीं है और आपके लेंस में फ्लेयर आ रही है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही यार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।